नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल नंबर को अपने आधार कार्ड से लिंक कैसे कर सकते हैं घर बैठे। पहले दोस्तों आपको ऑफिस में जाना पड़ता था और प्राइवेट सेंटर में जाना पड़ता था, किधर किधर जाना पड़ता था, लेकिन अब आप अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल नंबर को अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। आपको पता है कि आज अपना जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आज आप कुछ भी काम करेंगे पहले आप अपना आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक करना ज़रूरी होता है। चाहे आप खाता खुलवाएं या पैसा निकलवाएं या किसी भी कुछ भी काम करते हैं आप, तो आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से ही लिंक होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आप घर बैठे ही कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और बताता हूँ आपको कि आपको कैसा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेने का है और यहाँ पर आपने टैप कर लेने का है इंडिया पोस्ट बैंक। ओके, जैसे मेरा ऊपर आ रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपने ये फर्स्ट वेबसाइट आ गई, यहाँ पर अब आपने यहाँ पर क्लिक कर लेने का है। ओके, अभी ये खुल जाएगी, डिपेंड करता है आपका नेट पर, आपका नेट कितना फास्ट है कितना स्लो है। अब इस तरह से आपका ये पेज खुल जाएगा, यहाँ पर ऐड आ गया है, ऐड को कट कर लेने का है। ओके, अब आपने यहाँ पर ये थ्री डॉट जो है, तीन लाइन जो लिखे यहाँ पर लिखे, यहाँ पर आपने ओके कर लेने का है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ सर्विस रिक्वेस्ट, यहाँ पर आप ओके कर लेने का है। अब आपका नीचे लिखा हुआ आ जाएगा नॉन IPPB कस्टमर्स, यहाँ पर आपने ओके कर लेने का है और अब आपके पास अगला पेज खुल के आ जाएगा। ओके, इस तरह से आपके पास अगला पेज खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा होगा सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म, तो आपने यहाँ पर इस यहाँ पर क्लिक कर लेने का है। ओके, अब अगला पेज आपके पास आ जाएगा, एक फॉर्म आ जाएगा आपके पास भरने के लिए। इस तरह का अगला पेज आ गया है। ओके, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ जो हमारा जो काम है हमने सिर्फ वही करना है। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है आधार कार्ड से। ओके, यहाँ पर दो ऑप्शन है, आधार कार्ड मोबाइल अपडेट और चाइल्ड आधार, आप अपने बच्चों का भी कर सकते हैं अपना भी कर सकते हैं, तो हमने फिलहाल अपना वो करना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर वो कर लेना है और नीचे आपने ये कॉलम जो आ गए यहाँ पर आपका फॉर्म ये भर लेने का है। ओके, यहाँ पर ये चूज कर लेने का है, मिसेस है, मिस्टर है, कौन सा है यहाँ पर, तो हम मिस्टर है जैसे यहाँ पर कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर अपना फुल नाम डाल देते हैं। ओके, और ओके यहाँ पर हम अपना ईमेल आईडी डाल देंगे और यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देने का है। ओके, जैसा अपना एड्रेस डाल देते हैं। इस तरह से हमने अब यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देने का है, ठीक है, हम अपना पिन कोड डाल देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आपका नीचे जो आपका नियर बाय पोस्ट ऑफिस होगा, जो आपका नज़दीकी होगा, वो वहाँ पर आपने यहाँ पर डाल देने का है। तो आपने जो जो आपका नज़दीकी होगा वो आपका यहाँ पर खुल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर डाल देने का है, आपका जो नज़दीकी पोस्ट हो यहाँ पर डाल देने का है। अब आपने यहाँ पर सारे यहाँ पर इस तरह से पूरे ये कॉलम भर लेने का नीचे, और यहाँ पर आपने ये यहाँ पर रिक्वेस्ट में वो कर देने का, आपने यहाँ पर कुछ भी भर लेने का, ठीक है, और आपने यहाँ पर एग्री कर लेने का। उसके बाद यहाँ पर आपने ये कैप्चा डाल देने का है इस तरह से, सही है। अब आपने ये इस तरह से कैप्चा डाल, कैप्चा जो है तो यहाँ पर हमें इसको जैसे डाल देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर सबमिट पर सबमिट हो जाएगा। और फिर ये दूसरा जो तरीका है वो है ऐप से। ओके, दूसरा तरीका ऐप से है, आपने ऐप प्ले स्टोर में जाना है और जो ऐप से करेंगे आप उससे थोड़ा इससे थोड़ा इजी है ऐप से करना। प्ले स्टोर पे जाएंगे तो यहाँ पर आपने एक ऐप डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है
पोस्ट इन्फो, ठीक है, इस तरह से ये ऐप अपने यहाँ पर ओपन कर लेने का है। ओके, और यहाँ पर जो सर्विस रिक्वेस्ट है पहला ऑप्शन आपने यहाँ पर ओके कर लेने का है। यहाँ पर आपने अपना पूरा नाम डाल देने का है, ठीक है, हम अपना पूरा नाम डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है, टेरिंग गढ़वाल उत्तराखंड, ओके। यहाँ पर हम सेम सेम प्रोसेस सेम जैसे जैसा उधर है हम वैसे यहाँ पर डाल देंगे, ओके। यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल देंगे और यहाँ पर सेम मोबाइल नंबर, यहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट करेंगे। अब जो सर्विस आपने यहाँ पर बहुत सारे सर्विस है, हमने कौन सा सर्विस लेनी है, IPPV आधार सर्विस, यहाँ पर इस तरह से ओके दोस्तों। यहाँ पर नीचे एक सेलेक्ट का दूसरा ऑप्शन आ रखा है और यहाँ पर आपने किसका करना है, जैसे कि 5 ईयर चाइल्ड का है कि जो 5 ईयर से ज़्यादा है या फिर जो कमती है, तो हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर टू आधार लिंकिंग अपडेट के ओके करना है, यहाँ पर इस तरह से करना है। अब आपने यहाँ पर रिक्वेस्ट OTP करना है, यहाँ पर ओके कर लेने का है। अब जब आपकी OTP आ जाएगी तो आपने यहाँ पर यह OTP, जैसे मेरी ये OTP आ गया है, तो मेरा तो ऑलरेडी है, मैंने नहीं करना है, सही है, ओके। इस तरह से यहाँ पर OTP आ गई है और आपने यहाँ पर ये OTP डाल देने का है और आपका 2-3 दिन के अंदर, जैसे दोस्तों मैं तो आप कहीं पर भी रह के कर सकते हैं, जैसे मैं तो अभी दुबई में हूँ, ठीक है, फिर भी आप किधर भी रह के अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, तो मैंने भी यहीं से किया है और आपका 3 दिन में आपके घर पे पहुंच जाएगा।